हाय फ्रेंड्स, मैं हूं सिद्धार्थ और आप देख रहे हैं फ्रेंड्स कंपनी। फ्रेंड्स, मैं अपने आज इस ट्यूटोरियल में आपको बताऊंगा कि आफ्टर इफेक्ट है क्या और इसे किस लिए यूज़ किया जाता है। तो फ्रेंड्स, अक्सर लोग इसे अपने फिल्म इंडस्ट्री में टाइटल बनाने के लिए यूज़ करते हैं और अक्सर लोग इसे न्यूज़ फील्ड में यूज़ करते हैं, तो अक्सर लोग इसे लोगो एनिमेशन बनाने के लिए यूज़ करते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं इस सॉफ्टवेयर के बारे में आपको बेसिक चीज़ें बताऊँगा। तो फ्रेंड्स, तो हम शुरू स्टार्ट करते हैं इसके वेलकम स्क्रीन से। तो फ्रेंड्स, ये इसकी वेलकम स्क्रीन आपको शो हो रही है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम इसके ऊपर जो भी डाटा लिखा हुआ है या जो भी है राइट किया हुआ, तो फ्रेंड्स हम उसे रीड कर उसके बारे में जान लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ये इसका रिसेंट प्रोजेक्ट्स है जो कि आप ये वो प्रोजेक्ट्स है जो कि इससे पहले आप बना चुके हैं। यानी कि अगर हम अभी हम अगले ट्यूटोरियल में मैं आपको जब एनिमेशन बनाना सिखाऊंगा तो फ्रेंड्स वो इस पे भी शो यहाँ पे भी आपको दिखाई देगा। तो फ्रेंड्स, ये रिसेंटली प्रोजेक्ट्स हैं जो कि हम पहले भी यूज़ कर चुके हैं। तो फ्रेंड्स, ये यहाँ से हम अपना न्यू ओपन जो कि हम बनाया हुआ है, यानी कि जो भी हमने आफ्टर इफेक्ट्स की कोई भी फाइल बनाई हुई है अलहदा से, तो हम यहाँ से ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ से हम इसे न्यू कंपोजिट कर सकते हैं। तो यहाँ से हम इस सॉफ्टवेयर की कंपनी से हम हेल्प ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये ब्राउजिंग ब्रिज, तो फ्रेंड्स ये अडोब आफ्टर इफेक्ट्स की एक एक्सटेंशन है। ये अडोब फोटोशॉप में भी यूज होती है। तो ये थी इसकी छोटा सा इंट्रोडक्शन। तो फ्रेंड्स, ये आपको टिप ऑफ द डे 19 जैसा नज़र आ रहा है। तो फ्रेंड्स, ये हमें टिप देता है रोज़ाना के रोज़ाना कि आपने इस बारे में अभी इस पे काम नहीं किया या अभी तक आपने इस पे काम शुरू नहीं किया जो भी, अदरवाइज ये हमें टिप देता है। तो यहाँ से हम इसे अच्छा के चेक कर सकते हैं। तो यहाँ से हम अपनी इस टिप्स इन टिप्स के बारे में हम सर्च भी कर सकते हैं जो कि 287 है, जबकि हम 19 देख चुके हैं टिप्स। तो फ्रेंड्स, मैं अपने अगले ट्यूटोरियल में इसका इंटरफेस के बारे में बात करूंगा। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।